कुराड़ी थाना क्षेत्र से एक नृशंस मामला उजागर हुआ है, जहां पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बच्चे को कमरे में अकेला छोड़कर सिलेंडर पाइप का रिसाव शुरू कर दिया। गनीमत रही कि इस मामले में कोई जनहानि नहीं हुई है। बराबर, कल तारीख 19 फरवरी को कोराडी हक में ओम नगर एरिया है। ओम नगर एरिया में एक अपार्टमेंट में रंजन शाह नाम के रेलवे एम्प्लॉई रहते हैं। उनका खुद का फ्लैट है, अपने परिवार के साथ रहते हैं, बीवी और दो बच्चों के साथ। मियाँ बीवी में अनबन चली होती रहती थी, बीच में कुछ डिस्प्यूट थी, इसलिए वो छोड़ के चले भी गए थे, फिर वो वापस आए थे। कल अचानक वो दोनों में अभी भी कुछ अनबन हो गई है। उसमें गुस्से में उसने, जो आरोपी है रंजन चाव, इसने अपने फ्लैट में एक किचन का कमरा बंद करके गैस लीक करके माचिस हाथ में पकड़ी और उसने बीवी को और बच्चों को धमकी देता था कि मैं भी मर जाऊंगा और तुमको भी यानी मार डालूंगा। ऐसा करके उसने वो गैस छोड़ना चालू कर दिया था। फिर पुलिस को माहिती मिलने के बाद पुलिस वहाँ के कोराडी के पुलिस निरीक्षक श्री प्रवीण पांडे साहब रोस्ट उनके अधिकारी और दलबल के साथ पहुँचे, लेकिन वो पुलिस को देख के एकदम वायलेंट हो गए कि पुलिस यहाँ आई तो मैं अभी तो कुछ करने वाला हूँ। फिर भी बड़ी कुशलतापूर्वक उन्होंने परिस्थिति हैंडल की, फायर ब्रिगेड को बुलाया। वहाँ बिल्डिंग वाले लोग भी घबरा गए थे क्योंकि अगर वहाँ पर सिलेंडर का ब्लास्ट होता तो बिल्डिंग को भी नुकसान होता था, किसी की जान मान बहुत बड़ी घटना होती थी। फिर उन्होंने बिल्डिंग के एक उसके पहचान वाले को उसको बातचीत करने के लिए भेजा, लेकिन उसने उनको भी अंदर लेके दरवाज़ा बंद कर दिया था। तो और चिंता बढ़ गई कि भाई अभी इसको, एक तो साथ में है और ये इनके साथ अगर घटना घटी तो ये भी बेचारे। तो फिर पांडे साहब ने, जो PI पांडे साहब है, उन्होंने फिर समय सूचकता दिखा के वो जो अंदर दूसरा जो फ्रेंड गया था उनकी एक लड़की थी उसको बातचीत करने के लिए भेजा और उनको कहने लगाया कि तुम्हारा क्या मैटर है, तुम देखते बैठो लेकिन मेरे पापा को बाहर करो। तो उसको लग रहा था कि पुलिस तेरे साथ में है, तो पुलिस नीचे दबके छुप के बैठ गई। उसने की होल से देखा तो ये लड़की दिखी, तो उसने थोड़ा दरवाज़ा खोला तो पुलिस ने तुरंत दरवाजे को धक्का मार के उसको ताबे में लिया, उसकी माचिस पहले ताबे में लिया। एक बड़ी घटना होते होते बच गई है। फिर वो फिरियादी की कंप्लेन के ऊपर से 307 यानी खुद का जान का माल का और दूसरे को जान लेने का खतरा था, ये इसके आधार पर उसको 307 कलम 307 लगा के उनको परगुना दाखिल करके उनको अरेस्ट किया। आगे का तपास कोराडी पुलिस कर रही है।